करदम जी ने सोचा कि भैया जा छोरी थे हमारो विवाह है ने बारो है, अब देख तो ले कैसी है कैसी ना है, भगवान तो कह के कर लियो चलो ठीक है। वहां भी उन्होंने अपना गणित लगा दिया। आजकल जो गणित लगाते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है कि बहू काली है लड़की गोरी है कितनी पढ़ी लिखी है। अच्छा एक बात है, आजकल तो राधे ही राधे है, जैसे कोई देखने के लिए जाए सासू जाती है बोले लड़की साफ शुद्ध हो देखने में अच्छी हो घर का काम काज जाती हो और कुछ बोलती ना हो, है कौन कह रही है सासू जी जो कभी बहू थी, है सासू जा रही है लड़के के लिए बहू देखने के लिए जो पहले कभी बहू थी बोले सब कुछ करती हो और थोड़ी लड़के के मैच की तरह हो, बोलो राधे राधे। कितनी हो हमारा छोरा 5 फीट 5 इंच का है तो 5 2 5 3 तो चली जाएगा, अब बिल्कुल वही समतल तो ना चलेगा, कोई बात नहीं भैया अब तो इंचों से नापा जाता है, कितनी बड़ी विडंबना है। उसके बाद में लड़के के सरकारी नौकरी है, लड़का अगर अच्छा कमा रहा है तो बोले इतना पैकेज है, हम तो 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए में बात बनेगी। आप एक बात सोचिए, जिसका पिता किसी न किसी तरह से 25-30 लाख रुपए तो खर्च कर देता है लेकिन फिर वो कन्या आकर के आपकी सेवा नहीं करेगी, ठीक है कह दे कि हमारे पिताजी ने आपको 25 लाख रुपए दिए, कोई हम काम करने के लिए थोड़ी आई है। पहले जमाने में पिताजी गोरे हुए हुआ करते थे, माताएं काली सांवरी हुआ करती थी, लेकिन इतना प्रेम रहता था कि कोई ये नहीं कहता था कि हम दोनों में झगड़ा है, न कोई नापा न कोई तोली न कोई ग्रेजुएशन के इंटर पढ़ी है बीए पढ़ी है एमए पढ़ी है पीएचडी कर रखी है। पहले बिना पढ़े लिखे लोग आग बंद करके शादी कर लेते थे केवल बात पर, और आज बिल्कुल छांटबीन करके पूरा देख लेते हैं लड़की कितनी पड़ी है क्या है क्या है उसके जीवन में सब कुछ जांच परख करने के विवाह परख करके विवाह करते हैं। फिर भी विवाह 6 महीने साल भर बाद हजारों तलाक रोज होते हैं, क्यों हो रहे हैं? पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, शिक्षा की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन सहनशीलता अब किसी के पास नहीं रही है, बोलो राधे राधे। किसी के पास सहनशीलता नहीं, अब तो वर के अनुरूप ही लड़की चाहिए। करदम जी ने सोचा कि देखें तो सही, जैसे ही वो आ रहे थे तभी देखा 3 आसन बिछा दिए दोनों मनु शत्रुपा के लिए एक अपनी पत्नी के लिए, और जैसे ही आए प्रणाम किया करदम जी महाराज ने, और जैसे ही प्रणाम करने के बाद में करदम जी ने कहा कि बैठिए राजन। मनु जी महाराज और शत्रुपा जी तो बैठ गए, लेकिन देवहूति ने सोचा कि मैं पति के सामने पहली बार आई हूं और पहली बार ही मेरे लिए इन्होंने आसन डाल दिया है, अगर मैं आसन पर बैठती हूं तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं बैठती हूं तो इन्होंने जो सम्मान दिया है ये बुरा मान जाएंगे, क्या करूं ऐसा क्या करूं। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवहूति ने क्या किया कि अपना सीधा हाथ लिया और लेकर के आसन पर रख दिया और स्वयं पृथ्वी पर बैठ गए। करदम जी ने सोचा कि वाह हमें जो पति रूप में वरण करने वाली है जो हमारे जीवन की जीवन संगनी बनने वाली है वो हमारे योग्य है, और आजकल रमेश हमारा रमेश तैयार है बिल्कुल, कब देवी जी ऑर्डर दे, बोले मेरा सर दर्द हो रहा है 1 कप चाय बना देना, रमेश बिल्कुल तैयार है महाराज चाय बनाने के लिए कि कब चाय बना करके देवी जी को पिलाया जाए, और माता जी कहेंगी भैया 1 गिलास पानी दे देना, माता जी तुम घर में है तो रहती हो तुम्हें पानी भी नहीं पिया जाता, और देवी जी ने कहा कि वो वहां चलना है, कहां पे, बोले नुमाइश लगी है छटका मेला लगा है वहां चलना है, पैसा का जुगाड़ नहीं है फिर भी महाराज कहीं से कहीं ना कहीं से लेके दे के कुछ देवी जी को प्रसन्न करना है। जय हो। तो व्यक्ति प्रसन्न करने के लिए लगा है, करदम जी ने सोचा कि हमारे अनुरूप है विवाह कर लो, और वही पाणिग्य ग्रहण हो गया, और जैसे पाणिग्य ग्रहण हुआ राजा अपनी बेटी को छोड़ करके चला गया, और देखो उस देवहूति माता को जिसके पास न घर है न रहने के लिए कोई व्यवस्था है
न खाने के लिए शाम के लिए अन्न की व्यवस्था है, केवल अपने पिता के कहने पर हाथ अपना पर पुरुष के हाथ में दे दिया और उसी को अपना जीवन मान लिया कि अब तो मेरे यही जीवन धन है। राजा के जाने के बाद में कर्दम जी महाराज दूसरे दिन अखंड समाधि में चले गए। एक संत कहते हैं कि 40,000 वर्षों तक कर्दम जी महाराज तपस्या में रहे। कितने सालों तक? 40,000 वर्षों तक। और जब 40,000 वर्षों तक तपस्या में रहे तो देवहूति मैया ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि शरीर कृशकाय हो गया, जर्जर हो गया, बुढ़ापे ने आकर के घेर लिया, आंखों से नहीं दिखता, फिर भी पति की सेवा करती हैं, सोचती हैं एक ना एक दिन तो पति मेरे इस समाधि से जगेंगे, एक ना एक दिन तो पति मेरे समाधि से जगेंगे। प्रातःकालीन जगती हैं, पति का शरीर पहुंच देती हैं, सोचती हैं कि अब इस समय मेरे पति का भोजन का समय हो रहा है तो भोग लगा करके पति के सामने ही फिर उसको पा लेती हैं, थोड़ा सा जलपान करती हैं। और जिस झोपड़ी में कर्दम जी महाराज रहते हैं उसमें असंख्यों पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं, सांप और नेवला एक ही साथ उस झोपड़ी में रहते हैं। उस तपस्या के प्रभाव से जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके मन से भी वो भाव निकल गया है, क्रूरता का भाव निकल गया है। और 40,000 वर्षों तक जैसे ही आंखें खुली तपस्या से और सामने एक वृद्धा महिला को देखा, माता को देखा, कर्दम जी ने कहा देवी तुम कौन हो? अब जैसे ही कर्दम जी ने कहा कि देवी कौन हो, देवहूति बोली प्रभु, हाथ जोड़ करके बोली प्रभु याद करिए, आज से कुछ वर्षों पूर्व एक राजा एक रानी आए थे और आपके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देख करके गए थे। और जैसे ही कर्दम जी महाराज को याद आया देवी तुम आज तक तुम मेरी सेवा करती रही, कई दशक निकल गए, हजारों वर्ष की अवस्था तक मैंने समाधि में रहकर भगवान का भजन किया और आप अभी तक टिकी रही। बड़े प्रसन्न हुए कर्दम जी महाराज, देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की। और इतने प्रसन्न हुए, कहा अपने आशीर्वाद के द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया और कहा कि देवी जाओ जाकर के सरोवर में स्नान करो। और जैसे देवहूति ने जाकर के सरोवर में स्नान किया, 16 वर्षीय नव युवती की तरह जैसे अपने पिता के यहाँ से आई थी, तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर वैसा ही हो गया, असंख्य दास दासियां खड़ी हो गई। कर्दम भगवान ने अपनी तपस्या के द्वारा एक सुंदर विमान को बनाया और कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ विहार करेंगे और ऐसा घर बनाएंगे मन की इच्छा से जो चलने वाला हो। कर्दम जी महाराज ने भी गोता लगाया, वो भी 16 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। दोनों के दाम्पत्य जीवन में बड़ा आनंद लिया और उनके दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले 9 कन्याओं ने जन्म लिया। लेकिन भगवान से एक निवेदन किया था, सुनो एक कन्या अगर एक संतान मेरे घर में हो जाएगी ना तो मैं फिर प्रभु घर को छोड़ दूंगा। और जिस घर में 9 कन्याएं हो गई, कर्दम जी को याद आ गया, अरे देखो मैं कितना भोगी बन गया, मैंने भगवान की भक्ति छोड़ दी, भगवान से प्रेम करना छोड़ दिया, 9 कन्याएं मेरे यहाँ पर। और जैसे ही वैराग्य प्रबल हुआ, कर्दम देवहूति से आकर के बोले देवी हम तो अब घर छोड़ करके जाना चाहते, घर छोड़ करके जाना चाहते हैं, अब तो भगवान का भजन करेंगे। देवहूति ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये 9 बेटियां हैं और मेरा शरीर एक स्त्री का शरीर है, मैं ये थोड़ी बड़ी होंगी, इनका विवाह संस्कार भी करना है, तो इस स्त्री शरीर को लेकर के मैं इनके लिए वर खोजते हुए कहां पर भ्रमण करूंगी। लेकिन जब भगवान आए थे तो कर्दम जी ने कहा कि विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप हमें पुत्र के रूप में आए हमारे दाम्पत्य जीवन में तब हम विवाह करेंगे। भगवान ने कहा कि चलो ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी करता हूं। देखो कर्दम जी ने कितने काम बना लिए भगवान के द्वारा। कुछ समय बाद कर्दम जी के दाम्पत्य जीवन में प्रभु का अवतरण हुआ। बोले कपिल भगवान की, कपिल देव भगवान का अवतरण हुआ। और जैसे ही
भगवान का अवतरण हुआ। कर्दम जी महाराज आए, आकर के भगवान से कहा, प्रभु अब मुझे आप आशीर्वाद दें, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता और जाकर के भजन करना चाहता हूँ। कर्दम जी महाराज ने अपने पुत्र कपिल देव जी की परिक्रमा करके सीधे भगवान का भजन करने चले गए और अपनी कन्याओं का विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ कर दिया। और कैसी कन्या है महाराज, एक से एक कन्या, बड़े से बड़े ऋषि, महान तपस्वी ऋषि को ब्याही है, एक से एक बड़ी कन्या है। क्यों? क्योंकि पुत्र के ऊपर तो केवल एक कुल की इज्जत का भार कंधे पर होता है और कन्या के ऊपर दो दो कुलों का। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब जो, सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कह सब को। पुत्र एक कुल का नाम रोशन करता है लेकिन बेटी दो कन्याओं का नाम रोशन करती है। बोलो राधे राधा। कितने कुलों का नाम रोशन करती है? दो कुलों का। एक से एक जो पुत्री थी बड़े से बड़े ऋषि को ब्याही गई महाराज, बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े केशव दास जी महाराज हैं, एक बड़े सुंदर संत हुए केशव दास जी महाराज। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, माताओं के लिए बड़ा सुंदर निवेदन किया है। एक बार नारी हित्र देव को बना के शिशु, बड़े ध्यान से सुनिए, पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है। कैसी नारी हमारे भारतवर्ष की, कि जिसके यहाँ पर तीनों देवता रूप धारण करके दूसरा स्वरूप बदल करके आते हैं और कहते हैं हमें नग्न अवस्था में भिक्षा दीजिए अनुसुईया के यहाँ पर, लेकिन पतिव्रत के पालन के कारण तीनों देवताओं को बालक बना करके अपने पालने में झुलाती। एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु, पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है। एक बार नारी ही यमराज के पाछे लाग, मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। ये भारतवर्ष की माता सावित्री माँ अपने पति को भी यमराज की गोदी से बलात् पूर्वक खींच करके ले आई। ये किस देश की जननी है? ये भारतवर्ष की माता है। एक बार नारी ही निज पति की प्रतिज्ञा है तो काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। काशी के बाजार में सहस्र बिक जाती है। गुरुजी ने सब कुछ ले लिया दान में और देश निकाला दे दिया, जाओ इतनी असरपिया हमें दक्षिणा में चाहिए। और उन दक्षिणा गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र स्वयं बिक गए, अपनी पत्नी तारा को बेच दिया, अपने बेटे रोहतास को भी बेच दिया। एक राजा छत्रपति सूर्यवंश का राजा हरिश्चंद्र गुरु आज्ञा सर पर रख करके स्वयं कहां पर शमशान में जाकर के नौकरी करते हैं। और वो पत्नी एक बार भी नहीं बोली कि आपने मुझे बेच दिया, एक बार भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हरिश्चंद्र कहा करते थे कि देवी सब भगवान के ही दिन हैं। आज ये है, कल हम भोगों को भोगते थे, कोई बात नहीं, आज भगवान हमें ये दिन दिखाना चाहते हैं, फिर भगवान हमारी सुनेंगे। एक बार नारी ही निज पति की प्रतिज्ञा है तो काशी के बाजार में सहस्र बिक जाती है। एक बार नारी ही प्रिय पुत्र को पठाए बन, जग का कल्याणकारी सौभाग्य बनाती है। एक वो माँ बेटे को धक्का मार दिया, कथा सुनोगे अभी आप आगे। ध्रुव जी महाराज
सौतेली माँ ने कह दिया तुझे गोदी में बैठना है तो पहले मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, फिर भगवान की तपस्या कर और भगवान से मांग कि अब की बार सुनीति की गर्भ से जन्म ना मिले, फिर सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, तब इस गद्दी का अधिकारी होगा। और उस माँ ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया बेटे को कि जा बेटा तू भगवान का भजन कर। तेरी उस माँ ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रण में बन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती है। ऐसी पत्नी नहीं जो पति का पतन करा दे, बड़े समाज में जो पति का सर झुका दे वो पत्नी पत्नी कहलाने योग्य नहीं है। वो माँ जो अपने पति का नाम रोशन कर दे, अपनी कोमल उंगली को रथ के चक्के की कील बनाती है। दशरथ जी महाराज युद्ध कर रहे थे भरे मैदान में, कील निकल गई रथ की है, कैकेयी ने अपने कन की उंगली को लगा दिया। प्रभु आप युद्ध करिए, देवी तुम्हारी कोमल उंगली आपको दर्द सहना पड़ेगा। नहीं प्रभु, अगर आपका सर शत्रुओं के सामने झुक गया तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, लोग कहेंगे देखो ये कायर की पत्नी है। और उस कैकेयी माँ ने अपनी उंगली को उस रथ के चक्के में लगा दिया। काली सी मतवाली बनकर अविरल रक्त बहाती है, अन्यायी आता तायों की दल देती पल में छाती है। है कितना गौरव साली पद जग में भारत की नारी का। और एक बात और आपसे कहूं, केवल भारतवर्ष में ही माँ को माँ कहा जाता है, विदेशों में क्या कहते हैं मॉम, हैं क्या कहते हैं मॉम। अब जो माँ पहले मॉम बन चुकी है वो ममता कैसे प्रदान कर सकती है अपने बालक को। और पिताजी को क्या कहते हैं डैड, जिसके पिताजी जीते जी डैड हो गए मतलब मर गए, डैड माने मर गए और मॉम माने लाश। जिसके पिताजी जीवित माता पिता जीवित ही लाश बने हुए हैं वो क्या प्रेम प्रदान कर सकते हैं अपने बच्चों को? नहीं, केवल भारत में ही माँ को माँ कह करके पुकारा जाता है। और देखो माँ और बाप में क्या अंतर होता है, माँ कौन होती है जिसके सामने बच्चे का मुंह खुल जाए, एक बार बोलना माँ मुंह खुल गया, और पिताजी के सामने बाप के सामने मुंह बंद हो जाए, बाप मुंह बंद हो जाता है बाप के सामने। ऐसी माँ हमारे देश में हुई है, एक से एक कन्या जो नौ बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई, बड़े बड़े ऋषि, इनके चरित्रों को कोई सुन ले तो उस माँ का जीवन धन्य हो जाता है। कोई साधारण चरित्र नहीं है अनुसुईया का, एक बार कोई धारण कर ले तो अपने जीवन में पति लोग को प्राप्त कर लेती है। कर्दम जी चले गए, बहनों का विवाह हो गया, देवूति ने सोचा कि अब भगवान मेरे यहाँ पर आए हैं जीवन जन्म लेकर के, तो क्यों ना मैं इनसे ही कुछ संदेश ले लूं, कुछ उपदेश मिल जाए। देखो 5 वर्ष की अवस्था है केवल, कपिल भगवान का श्रृंगार करके सुंदर व्यासपीठ बना करके माँ ने बिठा दिया, जानती है कि ये भगवान है, और चरणों में बैठ करके प्रणाम निवेदन करती है और कहती है प्रभु मैं प्रकृति में आबद्ध नारी, प्रकृति में बंधी हुई नारी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप मेरा कल्याण करें। एक माँ बेटे के चरणों में प्रणाम कर रही है। अब ये भाव निकाल लीजिए कि कपिल भगवान भगवान है, आप केवल एक सांसारिक दृष्टि से देखें कि एक माँ बेटे के चरणों में बैठ करके उससे उपदेश सुन रही है, और बेटे ने भी फिर माँ का पतन नहीं किया, माँ का कल्याण कर दिया, माँ का कल्याण कर दिया। ऐसा सुंदर सांख्य शास्त्र का निरूपण किया कपिल भगवान ने, ऐसे अष्टांग योग के नियम अपनी माँ को बताए, माँ का जीते जी कल्याण कर दिया।
मैया कहती है बेटा मेरा जो मन है ना ये संसार की वस्तुओं को देख करके लालायित रहता है। आंखें कहती है मैं अच्छा दृश्य देखूं, जीव कहती है कि अच्छा खाने को मिले, जो मेरी त्वचा है वो कहती है कि मुझे अच्छा स्पर्श करने को मिले, नासिका कहती है कि मुझे अच्छा सूंघने के लिए मिले, मेरी प्रत्येक इंद्री मुझे भोगों की तरह खींचती है, मैं इसको कैसे काबू में करूं, मैं इसको कैसे अपने काबू में करूं। तब भगवान कहते हैं माँ ये काबू में तभी हो सकते हैं जब तुम संतों का संग करोगे, तुम संतों का संग करोगे। तो संतों के लक्षण बताए, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। माँ मय्यनन्येव भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृणां मत्कृते त्यक्तकर्णास् त्यक्त स्वजन बांधवा। मां हमें सच्चे साधुओं का संग करना चाहिए। तितिक्षवा जो तितिक्षा से रहते हैं, कारुणिका जिनके मन में करुणा है, सुहृद जो सरल है, ऐसे सच्चे साधुओं का संग करना चाहिए जो सरल। परम पूज्य साकेत वासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया करते थे, बड़ा सुंदर दृष्टांत। एक व्यक्ति था महाराज, बड़े भाव से सुने, बड़े ध्यान से। एक व्यक्ति था, एक बालक था वो, और अपने घर में रहता महाराज, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, यहां से उठा करके लुटिया को कहते ना, यहां से लोटा को उठा करके दूसरी जगह भी नहीं रखता था, ऐसा बस खाए और सोए, खाए और सोए। अब जब तक माँ बाप रहे तब तक तो उसको भोजन मिलता रहा, लेकिन जैसे ही माँ बाप के जाने के बाद भाइयों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो बिना जब तक कुत्ता भी पहरा घर का नहीं देता है, उसके यहाँ रोटी नहीं डालते उसके आगे, तेरे को भोजन कहाँ से कराएंगे। जब घर वाले बड़े परेशान हो गए भैया भाभी, तो कहा कि भैया तू हमारे यहाँ से निकल जा, तू घर छोड़ के चला जा, तेरे लिए 10 लोगों का खाना हम कहाँ से रोज लाएंगे। जय जय राधा, 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 जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा, रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा, जय 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 जय राधा रमण हरि ओ, जय जय राधा रमण हरि ओ, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय राधे। तो वो व्यक्ति बैठा बैठा आश्रम के दरवाजे पर सोच रहा था कि प्रभु आपने मेरे अंदर इतनी भूख बनाई तो बनाई क्यों, क्यों भूख बनाई। बड़े भाव से
कथा का आनंद लें और इन बच्चों को बैठा दें। भैया लाला बैठ जाओ। वो व्यक्ति सोच रहा था, तभी उस आश्रम में से एक मोटे ताजी संत निकल करके आए और उन संतों को देख करके वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। जैसे ही खुश हुआ तो उसने प्रणाम किया, बाबा जी प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। संत ने कहा, आशीर्वाद दिया। तो उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा आप कौन हो? बोले, हमारा नाम रामदास है भैया। अच्छा बाबा, करते क्या हो? बोले, भैया करते तो हम कुछ नहीं है, केवल भगवान का नाम जपते हैं और बस। बोले, बिल्कुल कुछ भी नहीं करते? बोले, कुछ भी नहीं करते। फिर बोले, बाबा खाते पीते, खाने के लिए पीने के लिए क्या है? बोले, भगवान सब कृपा करते हैं, खूब भंडारा चलता है आश्रम में। अच्छा तो बाबा, हम भी आपके आश्रम में रह लें? भैया खूब रहो। बाबा कुछ करना? नहीं नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल राम नाम का जप करते रहना। और बाबा भोजन? बोले, भैया पंगत बैठती है तो तू भी भोजन कर लिया करना। तो बोला, बाबा बस कमी यही है कि हम एक दो पंगत में बस पेट हमारा भर नहीं पाता है, अगर दो चार पंगत में बैठ जाए। बाबा बोले, भैया सुबह से शाम तक खूब बैठ, जितनी पंगत लग रही है, लेकिन शर्त यह है कि तू भोजन भजन कर। बोले, वो तो हम करेंगे, बढ़िया करेंगे। समय आने पर जो आश्रम के महंत थे, उन्होंने राम नाम की दीक्षा दे दी, खूब जप करे वो। और जप करते करते जब दो चार दस दिन बीते, और महाराज सबसे बड़ी बात, जैसे आज एकादशी है ना, वैसे ही एकादशी आई। बोलो राधे राधे। जैसे ही एकादशी आई, जैसे हम सभी आज व्रत, भगवान के व्रत में बैठे हैं, जैसे ही एकादशी आई, अब उस भक्त ने सोचा, देखो भैया आज एकादशी है। उसको नहीं पता था कि एकादशी है। सुबह सुबह गया, बोला पंगत लगी होगी, कुछ प्रसाद मिल जाए, नाश्ता मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने रसोईया में जाके देखा, ना धुआं, ना लकड़ी, ना रसोईया, अब तो घबरा गया कि लगता है गड़बड़ हो जाएगा। सीधा गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमारी तरफ देखो। गुरुजी बोले, कहा देखे तुम्हारी तरफ? बोले, गुरुजी हमसे भोजन की व्यवस्था? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया भैया कि आज एकादशी है और एकादशी में भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, सभी व्रत रखते हैं। और जैसे ही उसने व्रत का नाम सुना, बोले बाबा व्रत के चक्कर में तो हम अपने घर से ही भागे थे, और यहाँ भी यही देखने के लिए। गुरुजी हमारे बस की नहीं है, नहीं तो हम कल का सूर्य देख नहीं पाएंगे, आज ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। गुरुजी कोई बीच का रास्ता निकालो। बोले भैया नियम है कि आश्रम में आज के दिन भोजन नहीं बनेगा। तो गुरुजी एक काम करो ना, आश्रम में ही तो ना बनेगा, वहां नदी के किनारे तो बन जाएगा। बोले हाँ, यहां से सूखी सामग्री ले जा और तेरा वहां पे जाकर के तू भोजन बना ले। सूखी सामग्री दिलवा दी उसको, और जैसे सूखी सामग्री दिलवाई, गुरुजी ने कहा, देख भैया तू भोजन तो बनाने जा रहा है, लेकिन भोजन बना करके भगवान का भोग भी लगा दियो, भगवान का भोग भी लगा देना। बोले ठीक है गुरुजी, हम तो भोग लगा देंगे, आप चिंता मत करो। जैसे ही सुंदर अपने लायक भोजन लेकर के गया, और जैसे ही सोचा भगवान एक आएंगे, सो दो व्यक्तियों का भोजन लेके गया। जैसे ही भोजन लेकर के भोग सुखी सामग्री लेकर के गया, सुंदर भोजन बनाए, और भोजन बना करके अचानक ही भोजन पाने वाला था, तब तक गुरुजी की बात याद आ गई कि बिना भोग लगाए भोजन पाना नहीं है। जैसे गुरुजी की बात याद आई, अब तो भगवान से कहने लगा, प्रभु आ जाओ, भूख लग रही है बड़ी तेज, बस आप आ जाओगे तो दोनों साथ साथ भोजन कर लेंगे। जीवन में कभी भोग लगाया नहीं था कि कैसे भोग लगाया जाता है, कि घंटरिया बजाओ, तुलसी दल दिखाओ, भगवान से कहा, कहो कि तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्राणो सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब वो तो सीधा सीधा बोला, प्रभु आओ, आप आकर के भोजन पाओ। प्रभु को पुकारने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे
आजा राम आइए प्रभु, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए प्रभु, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकारने लगा भगवान नहीं आए तो बोला, प्रभु आप सोच रहे हो ना कि इसने जो बनाया है रूखा सूखा हम इसको नहीं पाएंगे, तो सुनो तुम अगर इस भोरे में बैठे हो सोच करके बैठे हो कि आश्रम में 56 भोग बना करके आपको भोग लगाया जाएगा, तो भूल जाना जब वहां पर हमारे लिए व्यवस्था नहीं है तो तुम्हारे लिए कहां से होगी। और सुनो गुरुजी ने कहा है कि भोग लगाना, नहीं तो हम इतनी देर रुकते भी नहीं। आचमनी अरगान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आचमनी अरगान आरती मेहमानी। प्रभु आप सोच रहे हो कि मैं आपको आचमन कराऊंगा, अर्ग दिखाऊंगा, आरती करूंगा आपकी और मेहमान की तरह जमाऊंगा, सो वो भी भूल जाओ। अरे रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। और सुनो जैसी बनी है ना वैसी पालो, नहीं तो ये भी हाथ से चली जाएंगी। अरे रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो भंडारी की राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, और जब भगवान नहीं आए तो उसने एक बात बड़ी सरलता से कह दी। पूज्य महाराज श्री बड़े भाव से दृष्टांत को सुनाया करते थे कि पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। आप सोच रहे हो कि पूड़ी की होगी, मालपुआ की, खीर की व्यवस्था होगी, पनीर की व्यवस्था होगी, तो भूल जाओ पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। बस एक सरलता से बात कह दी, कौन सा कि भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग। अगर ये भी रह गया तो भूखे बैठना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोग की व्यवस्था नहीं है। और जैसे ही सरलता से कहा भगवान रीझ गए, और जैसे रीझ भगवान सीता मैया के सहित प्रकट हो गए, बोले सीताराम भगवान की। और जैसे ही सीता समारोह पितवाम अभागम सीता जी के सहित प्रकट हो गए, और जैसे ही सीता जी के सहित देखा मुंह उतर गया, बोला दो की व्यवस्था थी, एक मेरी और एक भगवान की, और साथ में श्रीमती जी भी आ गई है। लेकिन बोला प्रभु आप आए, बड़ी प्रसन्नता आपको देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब दोनों की तरफ देखता जाए, भोजन की तरफ देखता जाए, सीताराम जी की तरफ भी देखे और भोजन की तरफ भी देखे, सुंदर भगवान का भोग लगाया। और जैसे ही सुंदर भोग लगाया और भगवान से कहता जाए, प्रभु बड़े प्रेम से पाओ, कोई बात नहीं हमें थोड़ा मिल जाएगा उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आप प्रेम से पाओ। भगवान ने सुंदर भोजन पाया, और पाने के बाद भक्त ने कहा प्रभु देखो सबसे पहला निवेदन तो ये है कि देरी मत करना, अगली बार जल्दी आ जाना। बोले ठीक है हाँ जल्दी। अच्छा प्रभु ये और बता दो कि अब की बार कितने और आओगे आप, ताकि मैं इंतजाम करके आपका रखूं। बोले ठीक है भैया हम आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले हम आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हुए, भक्त आया, फिर वही रोज पंगत में बैठे भोजन करे, भगवान का भजन करे, फिर महाराज एकादशी आई। और जैसी एकादशी आई गुरुजी के पास सुबह सुबह बोला गुरुजी बड़ी गड़बड़ है, क्या गुरुजी राशन कम पड़ जाता। तो गुरुजी ने सोचा कि देखो भाई भक्त है शायद भूखा रह गया होगा एकादशी को, थोड़ा सा और बढ़ा देना, थोड़ा सा और बढ़ा देना। तो गुरुजी ने और राशन बढ़वा करके दे दिया,
और जैसी राशन मन भाग और ज्यादा बढ़ा करके दिया, सुंदर नदी के किनारे गया, भोजन बनाया और फिर दोबारा से पुकारने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे का भगवान तैयार बैठे थे, राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर। पहले दो आए थे भगवान राम और जानकी मैया, अब की बार लखन जी को और साथ ले आए। अब तो और ज्यादा टेंशन हो गई, प्रभु आप अपनी बात के पक्के नहीं हो, हैं? दो आए थे तो हम राशन और बढ़वा लाए, तीसरा ये तीसरे किसे आप ले आए? लेकिन प्रभु आप आए, बड़ी कृपा है आपको देख करके मेरे मन को शांति मिल रही है। भोजन भोजन की तरफ देखे, उनकी तरफ देखे, ये दो ये तीन हम एक, कोई बात नहीं, हम भूखे रह जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप बड़े प्रेम से पा करके जाइए। सुंदर भोजन पवाया और कहा, प्रभु अब की बार ये बता जाओ कि कितने आओगे, हम उतनी व्यवस्था करके रखे। बोले नहीं नहीं हम आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, हम आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर एकादशी आई, सुबह सुबह गया, गुरुजी हमारे बस की बात नहीं है, हैं गुरुजी राशन बढ़ाओ, पहले ढाई सिर। बोले अब की बार इसको जितना चाहिए उतना दे दो। महाराज उसने खूब पांच सिर राशन लिया और ले जाकर के नदी के किनारे रख दिया। अब बोला कि हम पहले बुला लेते हैं, कहीं आग पहले अगर आ गए तीन तो बना लेंगे, और आ गए ज्यादा तो हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे, खुद खाओ और बनाओ और हमको भी खवाओ। अब जैसे ही बनाया नहीं, सूखी सामग्री रखी है, और जैसे सूखी सामग्री रखी, भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे कहा कि मेरे भोजन का भोग लगाइए, सूखी सामग्री रखी है। जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब तहां छन प्रगट हुआ दिव्य राम दरबार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही दिव्य राम दरबार प्रकट हुआ, महाराज आंखें फटी की फटी रह गई भक्त की, हाथ जोड़ लिए, प्रभु मोती नहीं बनत बनाए, मेरे बस की बात नहीं है। पहले दिन आए, अकेले की जगह दो आ गए, कोई बात नहीं, व्यवस्था हमने कर ली। दूसरी बार आए, एक और बढ़ गए, प्रभु कोई बात होती है, आप बात वाले हमको दिखते नहीं हो, है? अब की बार प्रभु मोती नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावो अपने बहुत दिनन संग खाए। अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ और हमको खवाओ। मोती नहीं बनत बनाए, अरे तुम नहीं तजत सुबानी अपनी। प्रभु आप जवान वाले हो ही नहीं, हम पूछते हैं कि आप कितने आओगे, आप कह के चले जाते हैं, आ जाएंगे, टेंशन मत लेना, ये भी कोई बात है। लेकिन अच्छा एक बात और थी, लखन भैया, भरत जी, शत्रुघ्न, जानकी मैया, राम जी, और साथ में अब की बार हनुमान जी भी थे। तो बंदर जी हनुमान जी की तरफ उंगली करके देखा, ये बंदर, नर नारिन की कौन कहे,
तुम नहीं तजत जुबानी अपनी हमके ते समझाए। नर नारिन की कौन कहे, हनुमान जी की तरफ देख करके बोला, एक भानर भी संग लाए। हद होती है, बंदर को भी साथ ले आए। प्रभु मोते नहीं बनत बनाए, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अब बनाऊंगा। प्रथम दिवस भोजन के हित जब आसन मैंने लगाए, उदर मैं न भर सके हो सिर्फ जब तुम सन्मुख आए। पहले दिन मैंने भोजन के लिए बुलाया तो आप सन्मुख आ गए, पेट नहीं भरा लेकिन फिर भी मैंने कोई कुछ नहीं कहा। फिर विनीत आए भाई पर भाई, दूसरी बार भाई आ गए और प्रभु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि निराहार ही रहूं, आज मोय दिखत मोय परत दिखाई। ऐसा लगता है कि इतनी भीड़ के सामने तो मैं आज भूखा ही रहूंगा, कल का सूर्य मैं नहीं देख पाऊंगा। और सुनो, ये सूखी सामग्री ये रखी, प्रभु बनाओ और खाओ। अब भक्त ने आंखें बंद कर ली, प्रभु ने सोचा भक्त कहीं रूठ न जाए। भगवान ने भरत जी को कहा कि भरत भैया आप रसोई की व्यवस्था संभालो। भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, लकड़ियों को लखन जी इकट्ठा करने लगे। भरत जी रसोई की व्यवस्था देखने लगे, पूछते पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका को। हनुमान जी महाराज पूछ से झाड़ू लगा रहे हैं और हाथों से पोचा लगाने लगे। चेत चूले धर और शत्रुघ्न साग भाजी, शत्रुघ्न जी सब्जी काट रहे महाराज। देखो भगवान भक्त की सरलता, हनुमान जी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं, लखन जी लकड़ी बीन करके ला रहे हैं और भरत जी रसोईया की व्यवस्था देख रहे हैं, शत्रुघ्न जी सब्जी काट रहे हैं। शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे, स्वयं जानकी माता आई और जैसे जानकी जी ने रसोई में प्रवेश किया, बड़े बड़े संत प्रकट हो करके आने लगे। आज लगता है कि जगत जननी अपने हाथों के द्वारा भोजन रसोईया पकाएंगी, आज उस प्रसाद का एक दाना भी हमें नसीब हो जाए। बड़े बड़े संत आने लगे। अब जैसे ही संतों को देखा महाराज, उसने तो जमीन के अंदर जमीन की तरफ देख करके मुंह कर लिया, नीचे झुका लिया, गर्दन झुक गई, हमसे नहीं देखा जा रहा है। लगता था कि चार पांच चाहे तो कुछ मिल भी जाए, इतनी भीड़ को देख करके अब नहीं है कि बस सूंघने को मिल जाए, अब बस की बात नहीं है। अच्छा, इस दृश्य को गुरुजी देख रहे थे पेड़ के पीछे। ये राशन इतना ले जाता है, खाता है कि बेक देता है, कहीं बेक तो नहीं देता। अब गुरुजी दृश्य को देख रहे हैं, ये जमीन की तरफ नीचे की तरफ धरती की तरफ मुंह करके बैठा है, ये बात किससे कर रहा है? ये बात नहीं कर रहा है। पाके संकेत शक्ति का जते वहां, अष्ट सिद्धि नवनिध के आने लगे। जानकी जी ने रसोई में जैसे प्रवेश किया, अष्ट सिद्धियां प्रकट हो गईं। माता जी हमारे लायक कोई सेवा, नवनिधि प्रकट हो गई, माता जी हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें बताएं। पीछे गुरु जी खड़े, पीछे जैसे गुरु जी खड़े, गुरुजी ने कहा बालक, एकदम हड़बड़ा गया, गुरुजी आप सही है, आप आ गए। गुरुजी हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम नहीं इस दृश्य को देख पा रहे हैं। अच्छा, गुरुजी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, सुंदर भोग बना, गुरुजी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो बालक भगवान से बातें करता जा रहा है, गुरुजी क्या कह रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है? बोले हाँ भैया, हमें तो तू दिख रहा है और ये सुखी सामग्री दिख रही है, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोले बोले गुरुजी, आपको ये भीड़ नहीं दिख रही है, इतने बड़े बड़े दाढ़ी मूछों वाले ये संत और देखो भगवान और साथ में बंदर भी, ये पूछ से झाड़ू जो लगा रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको? बोले भैया हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तो और माथे पे हाथ मारा, जय हो, अब तक तो मैं इनसे परेशान था, अब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अब हम क्या करें? तो उसने भगवान से कहा, प्रभु सही सही बताओ, ये गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आप दिख नहीं रहे हो? तब भगवान ने उस भक्त से कहा, हाँ भैया हम केवल तुझे ही दिख रहे हैं, तेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। और जैसे ही गुरुजी के बारे में कहा कि नहीं दिख रहे हैं, भक्त ने कहा, मेरे गुरुजी को आप नहीं दिख रहे हैं?
अरे वो ज्ञानी है, महापुरुष है, बड़े विद्वान है, आपका भजन पूजन करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ, तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं, तुम्हारे गुरुजी भक्त हैं, तुम्हारे गुरुजी बड़े विद्वान हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम्हारे गुरुजी के अंदर सरलता नहीं है, तुम्हारे गुरुजी के अंदर सरलता नहीं है। भक्त ने गुरुजी की तरफ आंखें करके कहा, दृष्टि घुमा करके, गुरुजी भगवान ये कह रहे हैं कि आपके अंदर सरलता नहीं है। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, और जैसे गुरुजी की आंखों में आंसू आए, भक्त बालक भगवान सही कह रहे हैं, भगवान सही कह रहे हैं कि मेरे अंदर सरलता नहीं है। मैंने आज तक दुनिया को एक दूसरी दृष्टि से देखा। गुरुजी को रोना आ गया, लेकिन उस भक्त ने जब गुरुजी के आंसू देखे तो भक्त का हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। भगवान से बोला, गुरुजी जब मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर किया था, तो इन्हीं गुरुजी ने मुझे मेरे सर पर हाथ रख करके मुझे अपने आश्रम में रहने की व्यवस्था दी थी, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से मेरे गुरुजी की आंखों में आंसू आए, आप इनके ऊपर कृपा करो। तब भगवान ने उस भक्त के कहने पर गुरुजी को दर्शन दिए। बोलो राधे राधे। गुरुजी को दर्शन दिए और गुरुजी ने खूब दर्शन किए, और उसी दिन से कह दिया, भैया अब तू जहां चाहे जा सकता है, जैसे चाहे आश्रम में रह सकता है, जब तेरा जहां मन करे भोजन बना करके भगवान को पवा सकता है। तो सबसे बड़ा एक जो गुण है सुहृद, सरलता होनी चाहिए, सबसे बड़ा गुण है सरलता का। माँ अगर ऐसा कोई सरल साधु मिल जाए, उसके चरण रज को अपने माथे पे लगा करके अपने जीवन का कल्याण कर ले। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। माँ सुंदर संतों के संग से भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और जब सुनने को मिलेगी भाव बदलेंगे, और जब भाव बदलेंगे मन का विचार बदलेगा, तो शरीर की क्रियाएं बदल जाएंगी। जो आंखें आपसे कहती हैं सुंदर देखें, तो भगवान का दर्शन करने के लिए बोलेंगी। जो जीव कहती है कि सुंदर है, बढ़िया खाने को मिले, वो केवल भगवान के प्रसाद के लिए लालायत रहेगी। आपका शरीर कहता है, आपकी त्वचा कहती है कि सुंदर स्पर्श का सुख हमें मिले, तो आप भगवान के चरणों की सेवा, संतों के चरणों की सेवा की मन की इच्छा जागृत हो जाएगी। आप कहती हैं कि प्रत्येक इंद्री ये कहती है, अपनी अपनी तरफ खींचती है। अगर संतों के संग से जब भगवान की कथा आप सुनोगी, विचार बदलेंगे, मन का क्रम बदलेगा, तो मैया आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। सुंदर उपदेश दिया, बड़ा सुंदर निरूपण किया भगवान ने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, क्रमबद्ध तरीके से भगवान ने सब का वर्णन किया, और तब कहा, मां संतों के साथ संग करके, उनके मुखारविंद से कथा को श्रवण करके व्यक्ति अपने जीवन के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। भगवान की कथा का जीवन में, जब भगवान की कथा को जीवन में उतार लेता है, तो फिर उसको दोबारा से गर्भ में आना नहीं पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो भगवान का होकर के रह जाता है माँ, फिर उसको दोबारा से माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। तो यहां पर गर्भ में जो यात्राएं मिलती हैं, वो भगवान ने मां से वर्णित की। मां बड़ा बड़ा कष्ट शिशु को गर्भ में मिलता है, सह न सके जब गर्भ कष्ट का किया तकोल करार। जब तड़प रहा था उस गर्भ की अग्नि में, उदर की अग्नि में, माँ अगर तीखा खा ले तो बच्चे की त्वचा में बड़ी जलन होती है, बच्चा मचलता है, बड़े बड़े कष्ट उसको मिलते। मल मूत्र की थैलियों के बीच उस बालक का मुखारविंद रहता है, मुख रहता है, घोर नरक में वो वास करता है, और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब की बार निकाल लो, बस अब की बार आप मुझे बाहर निकाल दीजिए,
फिर आपका मैं खूब भजन करूंगा, जितना मुझसे होगा भगवान बड़ी कृपा करते हैं। चलो 9 महीने हो गए, इसको निकालो। और जैसे ही निकला, माया का आवरण उसके ऊपर आया, फिर तो ये हमारी मम्मी, ये हमारे पापा, ये हमारे भैया, ये हमारे सगे संबंधियों में लिप्त हो जाता है। फिर भूल जाता है जो भगवान से वादा किया था। और फिर जब अंतिम समय आता है तो वही जो वादा किया था वही याद आता है। फिर तो लगता है कि अब तो प्रभु उठा ले। भगवान कहां से उठा ले? भगवान तो राधे राधे। अंतिम समय में बालक सुने ना, बहू सुने ना, बेटा सुने ना। एक बाबा थे, रोज कहते थे कि तू ज्यादा लड़ेगी तो मैं वृंदावन चलो जाऊंगा। अम्मा भी रोज ठंडी को समय कर आलू के पराठे बनाए के रख दे। अरे तुम जाओ तो सही, आते हम तो फंद तो छूटे हमारो। अब बाबा रोज पराठे लेके जाए, जंक्शन पे बैठ जाए, बोले ट्रेन जावेगी सीधी, दिल्ली पहुंच जाऊंगा, दिल्ली से सीधे मथुरा पहुंच जाऊंगा, या सीधे हाईवे पे जाकर के वृंदावन चला जाऊंगा। सीधे जंक्शन पे बैठ जाए, पराठे खाए और शाम को ने हो अंधेरो सो तो घर आ जाए। और जैसे ही घर आमे आए गए घूम आए वृंदावन, सो बाबा आके बोले कि अरे तू सोच रही हो कि तेरे ताई आया हूं, ये तेरी भूल है। फिर बोले वो जो पप्पू को छोरा है ना छोटो, वो मेरे बिना सोबे ना है, बस वाकी याद वो तू खींच लाई है, बाकी याद वो तू खींच लाई है। फिर घुट घुट करके याद आते हैं, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता, ये हमारी जगह है, ये हमारे कमरे हैं, ये हमारा सोफा है, ये हमारा बेड है। महाराज फिर ऐसा डेड हो जाता है कि फिर उठाए से भी नहीं उठता है, फिर उठाए से भी नहीं उठता है। सुंदर गर्व में दुख का निरूपण किया और ऐसा सुंदर उपदेश दिया माँ को। परीक्षित, देवती माँ का शरीर जल की तरह बहने लगा, जल के स्वरूप में परिणित हो गई। और भगवान अपनी माँ को उपदेश देने के बाद सुंदर गंगा क्षेत्र में जाकर के विराजमान हो गए। बोले कपिल देव भगवान की जय, देवती मैया की जय, भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये देवती का जीवन आपने सुना। इसके बाद में कहते हैं कि भैया मनु जी की तीन बेटियां थी, ये एक बेटी का जीवन का चरित्र आपने सुना। उनकी दूसरी बेटी थी आकृति, जिसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर यज्ञ भगवान का अवतरण हुआ, यज्ञ भगवान का। और तीसरी जो कन्या है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनके दाम्पत्य जीवन में 16 कन्याओं ने जन्म लिया। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि और मूर्ति आदि आदि, ऐसी 16 कन्याओं ने जन्म लिया। और उनमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याई गई, 13 कन्याएं धर्म को ब्याई गई। 14वीं कन्या स्वाहा देवी भगवान अग्निदेव को ब्याई गई। पंडित जी कराते हैं ना सुबह सुबह हवन, ओम अग्नये स्वाहा, यमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा। अगर किसी आहुति पर हम स्वाहा नहीं बोलेंगे तो उस आहुति को अग्नि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और स्वाहा भी मधुर भाषा में बोला जाता है, आक्रोश में नहीं कि स्वाहा स्वाहा में देख रहा था, मैं कहूंगा नहीं। सुबह एक माता जी बैठी थी, स्वाहा स्वा, एक तो ऐसे फेंक रही थी स्वाहा, लो जाने कितना बड़ा एहसान कर रही हूँ भगवान के ऊपर। जो ऐसे कर रही थी वो समझ जाए, मृगी मुद्रा से भगवान को आहुति दी जाती है, स्वाहा स्वाहा बड़े प्रेम से। तो 14वीं जो कन्या है स्वाहा देवी भगवान अग्निदेव को ब्याई गई। 15वीं कन्या का विवाह पितृगणों के साथ हुआ, जिनका नाम है सुधा। जब आपने कभी तर्पण आप कराते हो तो पंडित जी कहते हैं तस्मई सुधा नमः, तस्मई सुधा नमः। और जो 16वीं कन्या है उनका नाम है मैया सती, बोलो राधे राधे। जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। और परीक्षित, एक बार भोले बाबा ने अपमान नहीं किया था, लेकिन दक्ष ने मान लिया कि अपमान कर दिया है, दक्ष ने मान लिया अपमान कर दिया है।
और यज्ञ कुंड में जाकर के यज्ञ में जाकर आयु अनुष्ठान में जाकर के सती मैया ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अब परीक्षित को शंका हो गई, प्रभु बताइए कैसे। बोले एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया, और जब राजा बना दिया सभा लगाई, जब हमें कोई पद मिलता है तो मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं मीटिंग। बोले अपने जानने पहचानने वालों को बुलाओ और उनको बता दो कि हमें ये पद मिल गया है, अब हम ये बन गए, कोई काम करे तो बुला लेना। तो वैसे ही मीटिंग बुलाई उस दक्ष प्रजापति ने, बोले नाथ भी गए, बोले ससुर साहब की मीटिंग है, जाना चाहिए, हर दामाद को जाना चाहिए ससुर साहब की मीटिंग में। गए और जैसे ही गए सभी खड़े हो गए, बोले बाबा आंखें बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे, और जैसे ही सभी गए दक्ष प्रजापति का आगमन होता है, सभी खड़े हो जाते हैं सम्मान में, लेकिन भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। और जैसे भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति की सब पर दृष्टि नहीं गई, केवल भोलेनाथ पर दृष्टि गई कि इसने मुझे देख करके मेरा सम्मान नहीं किया है, आंखें और बंद कर ली। और ये उसके साथ में नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। 100 व्यक्ति बैठे हो, 99 लोग हमें राम राम राधे राधे कर लें, उन पर नजर नहीं जाएगी। जिसने हमें राधे राधे राम राम नहीं की उस पर नजर जाएगी, ये इसने देखो हमें राम राम नहीं की, राधे राधे नहीं की, हमारा सम्मान नहीं किया। वैसे दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये खड़ा नहीं हुआ, इसने कोई सम्मान सूचक शब्द संबोधित नहीं किया, आवेश में आ गया, देखो ये गमार, इसको किसने बुलाया है, ये भस्म लपेटता है, मुंडों की माला धारण करता है, नग्न अवस्था में रहता है, वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने इसको बेटी दे दी, लेकिन ये मेरे दामाद लायक है ही नहीं। बड़ी बड़ी गाली भगवान को देने लगा, भगवान आंखें बंद करके बैठे हैं, कौन आशीर्वाद दे रहा है कौन गाली दे रहा है कोई मतलब नहीं। बोले ये भूतों के संग रहता है, इसको क्या पता के व्यवहार क्या होता है, ये व्यवहार करना जानता ही नहीं है। भोलेनाथ शांत, भोलेनाथ की आंखें खुली, एकदम हड़बड़ा करके देखा दक्ष प्रजापति गाली पर गाली दिए जा रहा है। जब भोले बाबा के जो गण थे वो बोले, अच्छा तेरी ये मजाल, तूने हमारे भोले बाबा को गाली दी, जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा ये मुख ही नहीं रहेगा, तेरा ये मुंह ही नहीं रहेगा। अब जैसे श्राप का नंबर आया, भृगु जी भी थे, बड़े बड़े संत बैठे थे, संतों ने मिलकर के श्राप दे दिया कि जो शंकर जी के भक्त होंगे वो पाखंडी हो जाएंगे। पूसा ऋषि थे जिन्होंने भगवान शंकर को देख करके मुस्कुराहट, अरे वाह देखो अच्छा हुआ इसके साथ में, ये इसी लायक है, संत हंसने लगे। लेकिन भोले बाबा ने कहा, गणों से कहा, सुनो पिताजी का सम्मान हो रहा है, पतली गली से निकल लो, जहां सम्मान देना चाहिए था वहां श्राप मिलने लगा एक दूसरे को। मीटिंग समाप्त हुई, मीटिंग समाप्त होने के बाद आग में जल रहा था कि इससे मुझे बदला लेना है, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया। और हरिद्वार के पास कनखल नामक एक स्थान है, वहां पर सुंदर एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको नौतो दियो महाराज, सबको बुलाया, लेकिन सती मैया और भोलेनाथ को नहीं बुलाया, दोनों में से किसी को नहीं बुलाया। और जब दोनों में से किसी को नहीं बुलाया तो पहले बस तो थी नहीं, जक्शन तो था नहीं कि ट्रेन आएगी बैठ करके जाएंगे, पहले जहाज थे महाराज, कैसे मन के वेग से चलने वाले विमान थे। देवता लोग सज सज करके इत्र वित्र लगा के सेंट लगा के निकल रहे थे कैलाश के ऊपर से। अच्छा एक बात है कि सड़क के ऊपर बस चलेगी, उसको आप कच्चे में नहीं चला सकते, ट्रेन को कच्चे में नहीं चला सकते हो, जो जहां वाहन चलना चाहिए वो वहीं चलेगा, लेकिन जो विमान है जैसे हवाई जहाज है, कहीं से भी होके ड्राइवर मोड़ दे, उसको रास्ते की जरूरत थोड़ी है, उसे तो बस जगह मिल जाए निकल जाएगा। वैसे विमान जाने लगे, और जैसे विमान जब जाने लगे तो सती मैया ने ऊपर की तरफ दृष्टि करके देखा, विमान पर विमान, विमान पर विमान। तो भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ ये कहां जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी दुनियादारी के चक्कर में हमें क्यों पड़ना, जा रहे होंगे अपने सगे संबंधियों के यहाँ पर। अच्छा एक बात और है, लोगों की फितरत बड़ी गिर चुकी है, मोहल्ले में निमंत्रण आया है पड़ोसी के यहाँ पे, या हमारे यहाँ पे निमंत्रण आया और पड़ोसी के यहाँ पे जो निमंत्रण देने वाला आया था वो भूल गया, किसी कारणवश उसे याद नहीं रहा, तो हमारे यहाँ पे निमंत्रण आया वो क्या कहेगा जिसके यहाँ पे निमंत्रण आया है,
सुबह सुबह जगेगा। अरे भैया हाँ आज उसके यहाँ से निमंत्रण आया और उसको पता है कि इसके यहाँ नौता नहीं आया है, फिर भी पूछेगा अरे वो उनके यहाँ से नौता आया है, उनके यहाँ चलना है, कथा हो रही है और भंडारा है 19 तारीख का, चलना है वहां।